वर्तमान में फिजिक्स टीचर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी ऑन द एक्सेल लाइन पे, कोई भी पॉइंट रखा हुआ था, हमने ई पॉइंट लिया था और वहां पर हमने क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक आता है उसी से रिलेटेड, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपको करके जरूर जाना है। तो यहाँ पर आज टॉपिक की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास एक डाइपोल होगा, वहां हमें उसके दूर एक्सिस के दूर मतलब वाई एक्सिस पर हमें एक पॉइंट लेना है। ध्यान रखना, वहां हमने कौन से उस पर लिया था, एक्स एक्सिस पर, यहां हमें कहां लेना है, यहां लेना है हमें वाई एक्सिस पर, कहां लेना है वाई एक्सिस। जब भी इक्वेटोरियल प्लेन की बात आती है तो हमें पॉइंट लेना होता है वाई एक्सिस पर, जब भी एक्सिस की बात आएगी तो हमें कहां लेना होगा, एक्स एक्सिस पर। ये हमेशा याद रखना, जब भी न्यूमेरिकली पूछा जाएगा और कुछ ही पूछा जाएगा, डेरिवेशन पूछा जाएगा, तो आपको इसी तरीके से करना है। एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया था, हम बात करेंगे किस पर, वाई एक्सिस पर। तो यहां पर आपका जब भी आप कोई भी लेक्चर चाहिए आपको तो एनकेवी क्लासेस के नाम से, एनकेवी फिजिक्स क्लासेस के नाम से आपको यूट्यूब पे चैनल सर्च मारना पड़ेगा और उसको लाइक किए, सब्सक्राइब किए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के वो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो यहां पर आपकी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास बहुत आसानी से समझेंगे, कोई भी रटना नहीं है, बहुत आराम आराम समझेंगे। तो यहां पर मेरे पास एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि आपके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और ये आपके पास कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, बहुत सिंपल। यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ होती थी आपकी, 2L, द सेपरेशन बिटवीन द टू इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस। ये आपका क्या, सेंटर O। ठीक है, ये इसकी एक्सिस, सेंटर से जैसे क्या हो गई, एक्सिस। क्लियर है, तो यहां पर आपके पास मैं पॉइंट ले लेता हूं इस वाली वाई एक्सिस पर, मैंने पॉइंट ले लिया, ये क्या पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, मैंने पॉइंट ले लिया पी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एल। यहां से यहां तक का भी कितना है, एल। क्लियर है, बहुत आराम आराम समझना है। मैंने क्या किया, पी पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मैंने क्या किया, एक पी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया। मुझे इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जो कि लगी है किसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से लगी, किसकी वजह से लगी है, इस डायपोल की वजह से लगी है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये मैंने वाले ज्वाइन कर लिया और मैंने इसको क्या कर लिया, यहां से ज्वाइन कर लिया। इस सेंटर एक्सिस से, इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस जो मैंने ले लिया वो मैंने ले लिया कितना, आर। वो कितना ले लिया बेटा, आर। क्लियर है, वो मैंने कितना ले लिया, आर। ऐसे बना देता हूं इसे, मैं यहां से ले लिया मैंने डिस्टेंस, ये कितना ले लिया, आर। ये हो गया आपका आर। क्लियर है बेटा, तो यहां से अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है इसकी वजह से, इसकी वजह से, किस पे, इस पे, या फिर कह सकते हैं डाइपोल की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि डायरेक्शन कैसे कैसे होगी, तो बात करते हैं डायरेक्शन की। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर या नीचे, नीचे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, कौन सा है, नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन क्या, नीचे की तरफ। क्लियर, मैं इसे मान लेता हूं वन, और जो ऐसे ले लेता हूं मैं टू, जैसे लास्ट में मानता इसे ले लेता हूं वन। ये कितना हो गया आपके पास, ई टू, डायरेक्शन वो किससे, नीचे। याद रखो ये जो है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें जो लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इधर होगी या ऊपर होगी, ऊपर की साइड होगी, क्योंकि रिपेल कर रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो यहां पर आपके पास कितना होगा, ये ई की डायरेक्शन होगी, किसकी है, ई वन की। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर आपके पास अब यहां देखते इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट किस साइड होगा, इस साइड होगा, होगा। ठीक है, हम ले लेते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किस साइड होगा, इस साइड होगा। यहां ले सकते हैं, चलो एक काम करते हैं, दूसरे मैथड शुरू करते हैं, बहुत इजी मैथड। ये एंगल कितना ले लो, ये एंगल ले लिया मैंने थीटा। क्लियर, ये एंगल, ये कौन सा एंगल है आपके पास, 90 डिग्री।
ये एंगल कितना होगा? बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं, वो डायरेक्टली लिख देते हैं ये थीटा है ये भी थीटा है, लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये एंगल आए कहां से। लेकिन आपको एंगल के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कहां से आए। याद रखो ये आपके पास एंगल कितना थीटा, ये आपके पास कितना 90, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा आपके पास क्या होता है, ये वाला एंगल कैसे होता है, हर एक ट्रायंगल का हर एक सम होता है एंगल कितना होता है 180। तो यहां पर हो गया थीटा प्लस 90 प्लस, इसको मान लेता हूं मैक्स क्योंकि मुझे मानना है क्या, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी थीटा की, तो कितना हो गया 180। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस का 90 माइनस का थीटा, 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो आपके पास ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना आया 90 माइनस थीटा, ये एंगल जो आया आपके पास वो कितना आया 90 माइनस का थीटा। हमें निकालना कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है। अब याद रखो यहां पर जो एंगल ये वाला लिया है मैंने वही एंगल ये वाला होगा, वही एंगल कौन सा होगा ये होगा, क्यों, क्योंकि ऑर्डर है इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल थीटा और ये भी एंगल कितना होगा थीटा। यहां तो समझ आया बहुत अच्छे। अब ये आपके पास एंगल मिल गया, ये आपके पास कौन सी है, ये मान लेता हूं मैं एक्स इसकी पूरी है, ज्वाइन करता हूं पूरी वाई एक्सिस को, ठीक है। अब याद है ये आपके पास 90 माइनस थीटा है, ये भी आपके पास कौन सा एंगल है थीटा है, ये 90 है तो ये भी कितना होगा आपके पास 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी आपको कितना हो गया ये वाला एंगल 90 माइनस का थीटा, ठीक है। अब ये हमें कौन सा ही तो मिल गया ना थीटा, हमें निकालना कौन सा एंगल है ये वाला एंगल निकालना, ठीक है। हमारे पास ये मिल गया, ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, क्यों, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, याद देखो। तो ये भी एंगल कितना हो गया आपके पास, ये एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा आपके पास 90 माइनस का थीटा, क्लियर। अब याद देखो ये पूरी एक्सिस है, ये वाली पूरी एक्सिस है, ये कितने की होती है 180 डिग्री की होती है, मतलब इस वाली पूरी एक्सिस में कितने एंगल आ रहे हो, हमें कौन सा चाहिए ये वाला एक्स वाला एंगल चाहिए, हमें कौन सा एंगल चाहिए ये एक्स चाहिए। तो यहां पर आपके पास कितना हो गया, हमारे पास ये पूरी एक्सिस का ये जो पूरा है ये वाला पूरा जो होता है वो कितना होता है 180। तो यहां पर कितना हो गया 180 इक्वल्स टू सारे एंगल प्लस कर दो, यहां पर कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये वाला ये प्लस थीटा, ये एक्स हमें निकालना है, ये वाला एक्स एंगल हमें निकालना है, प्लस 90 माइनस का थीटा, क्लियर है। बहुत इजी है, हमें एंगल समझना, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप न्यूमेरिकल भी इसी तरीके से कर पाओ। तो यहां पर आपके पास ये देखो ये थीटा से ये थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और कौन सा बचा 90 कितना हो गया 180, 90 प्लस 90 180 प्लस एक्स माइनस का थीटा, 180 को उधर ले जाओ 180 और थीटा को उधर ले जाओ माइनस का 180 प्लस का थीटा इक्वल टू कितना हो गया एक्स, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास थीटा, क्लियर हो गया। कहां से वैल्यू आती है, ये वैल्यू ऐसे आती है, तो हमारे पास ये एंगल भी कितना मिल गया थीटा एंगल हो गया, क्लियर हो गया। इसे पोस्टर पे उतार देना रफ में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज, कि एंगल आते कहां से है वो हमें समझने होते हैं, कि एंगल की वैल्यू आती कहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज्योमेट्री समझनी है तो आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक एंगल की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि एंगल आए कहां से, क्लियर हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, हमें पता चल गया ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल कितना है थीटा, मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास कौन सी है वाई एक्सिस, ये आपके पास कौन सी एक्स एक्सिस, हमें ये नहीं पता है कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में या फिर वाई एक्सिस डायरेक्शन में है। तो यहां पर हम लोग इसको किसमें मिलेगा उत्तर देंगे, दो कंपोनेंट में, एक कॉस थीटा में और एक साइन थीटा में, साइन थीटा में कौन सा वाई एक्सिस पे और कॉस थीटा में कौन सा लो एक्स एक्सिस पे। तो हमारे पास कितना निकल गया, पहले ईवन की बात करते हैं, ये कौन सा हो गया ईवन, ये हो गया आपके पास ईवन कॉस थीटा, क्लियर, और वाई एक्सिस पे है तो ये कितना हो गया ईवन साइन थीटा, क्लियर हो गया ईवन साइन थीटा। अब इसकी बात कर लेते हैं E2 की, E2 ये आपके पास ये क्या है
नजर इसका जो है आपको पता नहीं है कि भैया कि कौन से डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस, इस तरह हम क्या करेंगे दो में ब्रेक डाउन कर देंगे। हम लोगों ने दो में ब्रेक डाउन कर दिया, दो में ब्रेक डाउन करने के बाद क्या आया, एक तो ये वाला कौन सा होगा, ये थीटा एंगल है, ये हो गया आपके पास ई टू कॉस थीटा, क्लियर। और ये कौन सा होगा आपके पास ई वन साइन थीटा, क्लियर। ये होगा कौन सा ई वन साइन थीटा, सॉरी ई टू, E2 sin थीटा और ये हो गया आपके पास E2 cos थीटा, क्लियर होगा। अभी देखो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल क्यों है, इक्वल क्यों है, E1 और E2 इक्वल कैसे आए वो देखो, कैसे आएंगे इक्वल, बिल्कुल कैसे है। पहले मैं हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ना ही मेरे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, क्लियर। दो इक्वल एंगल है, उसके साइड क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं क्या करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से मैं कौन सा साइड निकाल लेता हूं, पी क्यू, इसे मैं लेता हूं ए, इसे ले लेता हूं बी, मतलब मैं क्या निकालूंगा, ए बी निकालू। मैं निकाल रहा हूं यहां पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहां लिख देता हूं बाय हेल्प ऑफ इंट्रायंगल, इंट्रायंगल मैंने कौन सा लिया पी ओ ए by using Pythagoras theorem, मैंने क्या लगा दिया, मेरे पास क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, मेरे पास हाइपोटेन्यूस क्या है AB का स्क्वायर है, बेस क्या है AO का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर क्या है PO का स्क्वायर। AB का स्क्वायर आपको निकालना है, आपके पास AO कितना है L स्क्वायर, PO कितना है PO R स्क्वायर, तो आपके पास AB की वैल्यू कितनी आ गई बेटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गई AB की वैल्यू। मतलब हमें पता लग गया कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, उतना ही यहां से यहां तक का होगा कितना आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक हर एक वैल्यू आपको समझ आनी चाहिए, समझ आ गए तो ठोको ताली, अगर नहीं समझ आए तो सर रिपीट करके देखो फटाफट जल्दी। यहां पर आपके पास AB की वैल्यू निकल गई AB की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। मैं निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू, पहले मैं इस वाले चार्ज निकाल लो, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू वन चार्ज कितना होगा E वन इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, आपके पास सोर्स चार्ज कौन सा है Q अपॉन डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब मेरे पास निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा ई टू इक्वल्स टू कितना वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसी वजह से मैंने कहा था आपको कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसी वजह से कहा था, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू देखो क्या आ रही है सेम आ रही है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब ये देखो बच्चा कौन सा, ये वाला E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में, क्या ये कैंसिल आउट होंगे, नहीं होंगे ना, तो हमारे पास क्या निकल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल गई आप ई एन ई वन प्लस ई टू, ई वन प्लस ई टू, ई वन की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास ई वन कॉस थीटा, लिख सकते हैं हम लोग ई वन कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं ई टू कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ई वन इक्वल्स टू ई टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हुआ। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, ई वन कॉस थीटा प्लस ई वन कॉस थीटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक काम करो इसे एक काम करो ऐसे लिख दो E इक्वल्स टू ई वन इक्वल्स टू ई टू, तो मैं E लिख देता हूँ, तो कितना हो गया 2E cos थीटा। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल गई, E नेट इक्वल्स टू 2E cos थीटा। यहाँ तक समझ आया, आएगा ही समझ में, क्यों कौन समझा रहे हम समझा रहे, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसे डायग्राम को उतार लेना, बहुत अच्छा डायग्राम है, सुंदर सा न्यारा सा प्यारा सा डायग्राम है आपका। तो बेटा जी आपके पास E नेट कितना निकल गया, 2E cos थीटा, ठीक है 2E cos थीटा। तो यहां पर आपके पास E की वैल्यू कितनी थी, E की वैल्यू 1/4π बराबर 4π ε0 क्यूब r स्क्वायर l स्क्वायर, ये सॉरी यहां पे स्क्वायर आएगा और स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर हो गया, आपके पास कितना आ गया स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास cos थीटा, ये स्क्वायर हो गया, तो 2 × 1/4π ε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो हो गया ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचा क्या आपके पास cos थीटा, एक आपकी वैल्यू आ गई दिस टर्म इन टर्म ऑफ किसकी टर्म में, cos थीटा के टर्म में, क्लियर। अब हमारा मुद्दा क्या है भैया, cos थीटा की वैल्यू भी निकालना, हमारे पास क्या था, ये आपके पास डायग्राम था ओ था, ये आपके पास कितना था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये था आपके पास आर, ये था आपके पास एल, ये था आपके पास थीटा, ये पॉइंट था क्या पी। अब यहां देखो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा इक्वल्स टू पंडित, क्या कहते हैं उसे पंडित भद्री प्रसाद नागर बोले, पंडित भद्री बेस एल, हर हर बोले एच, एच आपके पास कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आगे किसकी वैल्यू निकल गई, cos थीटा की वैल्यू कितनी निकली एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। यहां पर ये वैल्यू कहां पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में, मैंने क्या किया पुट वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन को मान लिया मैंने कौन सी थर्ड इक्वेशन, क्लियर। तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू आई है cos थीटा की, वो वैल्यू कितनी आई है, E net equals to 2 × 1/4π ε0 q upon r square plus l square under root। तो ये आपके पास cos थीटा की वैल्यू कितनी निकली है, आपके पास l upon r square plus l square under root, क्यों, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू कितना l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, क्लियर बेटा, बहुत अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा जब डेरिवेशन खत्म हो जाएगा तब। तो यहां पर आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा इक्वल टू सॉरी ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 1/4π ε0 q l r स्क्वायर l स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/4π ε0 टू अंदर ले लो 2 × 2l / r² प्लस एल स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ। और यहाँ क्या हो सकता है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एल स्क्वायर का 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 क्योंकि अंडर रूट है, तो मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, 1/2 और ये कितना है प्लस, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 3/2। तो मैंने क्या लिख दिया इसे, E net equals to 1/4π ε0 q × 2l / r² + l² का 3/2 लिख सकता हूं। और यहां देखो q × 2l वो क्या होता है आपका, q × 2l क्या होता है डायपोल मूवमेंट, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, उसको डायरेक्शन बना देना नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो डायरेक्ट डायग्राम बनाया था,
तो यहाँ ध्यान से बना देना डायरेक्शन उसकी डाइपोल मूवमेंट की, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास टी नेट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/4πε0 डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। क्यों भैया? क्योंकि क्यू इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है, टी होता है। तो आपके पास जो नेट फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, क्यू नेट इक्वल टू 1/4πε0 टी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर का 3/2। अगर केसेस आ जाता है कि अगर जैसे आपका एक्सेल लाइन में लिया था आप लोगों ने कि भैया जब अगर r डिस्टेंस बहुत दूर था सेंटर से तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, इसी तरीके से हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन पे लेते हैं, जब अगर r बहुत ज्यादा दूर है किससे, l से, तो यहां भी रुक कैसे को, इफ r इज मच मच ग्रेटर देन L, तो L क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो E नेट कितना आ गया, 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर 3/2। L नेग्लिजिबल हो गया, तो यहां पर आपके पास कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E नेट कितना आ गया बेटा, 1/4πε0 P अपॉन आर की पावर क्यू। यहां से भी क्या पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन वो क्या होती है, पॉइंट एक ऑन इक्वेटोरियल प्लेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। एक्सीएल पे भी यही पता लगा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इक्वेटोरियल प्लेन में भी ये पता लग गया कि भैया ई नेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यू के। अब दोनों में कंपेयर देखो, यहां वहां पर आता था, यहां पर जब एक्सेल की बात करते थे तो यहां पे कितना आता था, 2p आता था, एक बार दोबारा चेक करना, यहां पे आया था 2p, और जब इक्वेटोरियल प्लेन की बात आई तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, p। अगर दोनों में रिलेशन पूछा जाता है तो रिलेशन क्या होगा, ये बता देना सब कुछ, दोनों में रिलेशन पूछा जाता है तो रिलेशन क्या होगा, ई एक्सेल जब होता था आपके पास वो क्या हो रहा था, 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, और जब आपके पास होती थी ई इक्वेटोरियल प्लेन पर तो होता था क्या, 1/4πε0 यहां कितना आया, टी अपॉन आर क्यूब। दोनों में इक्वेशन क्या है, ये देखो ये वैल्यू किसकी निकल के आ रही है, 1/4πε0 और ये कौन सा, टी, यार ये आपके पास वैल्यू इसकी, तो इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, इसी को क्या लिख सकता हूं, EXL इक्वल टू कितना, टॉइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, टॉइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। अगर आपसे रिलेशन पूछ लिया जाता है कि ई नेट ऑफ एक्सियल और ई नेट ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन पे आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसका रिलेशन क्या होगा, टॉइस होगी, टॉइस टॉइस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विच आर प्लेन ऑन इक्वेटोरियल प्लेन और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो यहां पर क्या होगा, ये होगा आपके पास रिलेशन, ये याद रखना, क्या हो गया, ये रिलेशन, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट, और इसे जितना शेयर करोगे उतना आपका बेनिफिट होगा, बच्चे भी देख पाएंगे जितने भी होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कर सकते हो और मेरे पूछ सकते हो, और जितने भी लेक्चर्स हैं एनकेवी फिजिक्स क्लासेस के नाम से सारे लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हो जाकर, ठीक है बेटा। आज के इतना रखते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और हमारा नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।